हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, पैसिव वॉइस, जिसको एक्टिव पैसिव भी कहते हैं। तो एक्टिव पैसिव सीखने के लिए इसके पहले हमको टेंस वगैरह सीखे होना जरूरी है। जो टेंस वगैरह कंप्लीट सीख जाते हैं, वो एक्टिव पैसिव को समझना उनके लिए इजी होता है। तो ये जो क्लास है, उसमें हम एक्टिव पैसिव को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही शांति से धीरे से इस चीज को करने का प्रयास करें और बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको देखें। बीच बीच में रोक कर जो भी नोट करना है आप नोट करें। रूल्स वगैरह भी साइड में हमने लिखे हैं अच्छे से, कोशिश की है कि सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद जैसे ये सारा है, तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो है, उसमें हम कोई भी सेंटेंस लिखा है तो उसको बिल्कुल सीधे तरीके से जो बोलते हैं उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा और आप बिल्कुल पेशेंस के साथ पूरा समझने की कोशिश करते हुए इसको देखेंगे। मोनिका टेनिस खेलती है। उसका पैसिव बनता है टेनिस वॉज प्लेड बाय मोनिका। मोनिका के द्वारा टेनिस खेला जाता है। तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोनिका लिखा है, तो मोनिका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। प्लेड, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो मोनिका प्लेड टेनिस, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों चीजें हैं। इसके लिए हम थोड़ा हाईलाइट का यूज करेंगे तो बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो मोनिका प्लेड टेनिस, मोनिका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया प्लेड, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फॉर्म वर्ब की कौन सी है ये हमको पता रहना बिल्कुल ही जरूरी है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मोनिका प्लेड टेनिस, तो इसमें सब्जेक्ट मोनिका है, वर्ब है प्लेड और ऑब्जेक्ट है टेनिस। इस चीज में हमको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि वर्ब की फॉर्म ध्यान रखनी है, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये पता रहनी चाहिए। और इस ये चीज सीखने से पहले आपको टेंस पता रहनी चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, और फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए, तो इसको सीखना इजी रहता है, ठीक है। तो मोनिका सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब की फॉर्म है जो कि सेकंड फॉर्म है, और टेनिस इसका ऑब्जेक्ट है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस बनने पर सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, और जो ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है वो जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो वह ऑब्जेक्ट बन जाता है, अर्थात पीछे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट के ठीक पहले बाय लगाते हैं, और वर्ब की कोई भी फॉर्म यहां पर दे रखी हो इसकी सीधी थर्ड फॉर्म बन जाती है, और यहां पर हमने फिलअप कर दिया है वास। तो हम इसको एक बार करेंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहे हैं पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव क्या होता है। बाकी इसके रूल हम सीखेंगे, उसके बाद हम इधर वापस बार बार प्रैक्टिस भी करके देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरे से पूरा देखें, आप इसको अधूरा ना छोड़ें। अगर आप अधूरा छोड़ोगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आ पाएगा। इसको पेशेंस के साथ ध्यान से देखें, हम बहुत ईजी तरीके से इसको सीखने वाले हैं। तो मोनिका प्लेड टेनिस, मोनिका टेनिस खेलती है, तो इसका बन गया टेनिस वॉज प्लेड बाय मोनिका, कि मोनिका के द्वारा टेनिस खेला जाता है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं इसके अंदर। एक और एग्जांपल देखा, मोनिका प्लेज टेनिस, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यहां पर फर्स्ट फॉर्म है, तो वो बन गया मोनिका डैश प्लेड बाय। तो वर्ब की फॉर्म जो होती है यही सब डिसाइड करती है, बाकी चीजें तो होती रहेंगी। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये सब्जेक्ट है तो इधर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब की कोई भी फॉर्म यहाँ पे दे रखी हो, हमको तो उसको थर्ड फॉर्म बनानी ही है। इस नियम को क्या कहते हैं, तो नया याद भी रखना है कि फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद बाय जो है वो भी सब में फिट होगा, तो सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट के पहले इधर से पहले बाय लगेगा। और जहां पर कोई भी फॉर्म दे रखी हो, कोई भी आप फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कोई भी फॉर्म दे रखी हो, पैसिव वॉइस बनते ही वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है।
कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट होता है तो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, ये आपकी थर्ड फॉर्म बनेगी। तो बात हमको इसकी सोचनी है कि यहां पर क्या आएगा, जो इंसान यहां पर गलती करेगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से राइट नहीं होगा। तो हमको सोचना है इसके ऊपर ही। और इन सब चीजों के लिए मैंने आपको इस साइड में जो रूल्स लिखे उसको हम एक बार माइंड कर लेंगे। उसके बाद इसका एक बार और एग्जाम्पल भी बनता है, वो मैं आपको बिल्कुल ही बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए। तो अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है तो पैसिव वॉइस में ई सी एम आर के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वैसे ही एक्टिव वॉइस में डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव में ई सी एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो थर्ड फॉर्म के लिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा, कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो ई सी एम आर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो वॉज वर्ब नॉट के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इज एम आर के साथ आईएनजी है तो इज एम आर, इनमें से जो भी लगता हो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से वो हमको सोचना पड़ेगा और लगाएंगे, के साथ डिंग लगेगा, ये खास याद रखना है। इंग डिंग याद रखो, इज एम आर आईएनजी हो तो इज एम आर बिंग होगा, इज एम आर आईएनजी तो इज एम आर बिंग प्लस थर्ड फॉर्म, इंग बिंग, इंग है तो बिंग है। वॉज वर्ब प्लस आई एन जी हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में बनेगा वॉज वर्ब प्लस बिंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी इंग बिंग याद रखना है आपको। उसके बाद हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो हैज हैव प्लस बिंग, यहां पर बिंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैज हैव तो हैज हैव बिंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस बिंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हेड में कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हेड सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हेड ही रहता है, लेकिन हैज हैव में बहुत ध्यान रखना है, हैज हैव हैज सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है। अगर हम एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं और सब जो भी आगे इधर बन के आ रहा है वो अगर प्लूरल है तो इधर जो वर्ड आएगा वो प्लूरल के हिसाब से चेंज होके आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब उसके साथ जुड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पर हैज हैव दोनों में से एक भरना है तो हम हैज भरेंगे। मान लीजिए यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे इज एम आर में से कोई एक चीज भरनी है, हमको सिंगुलर के हिसाब से इज भरना है। मान लीजिए यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे वाज और दोनों में से एक लिखना है तो सिंगुलर के साथ वाज सेट होगा तो वाज हम लिखेंगे, ठीक है। अब आती है बात मॉडल की, जैसे कैन है तो उसका कैन बी हो जाएगा, कैन एक मॉडल है। अब मॉडल कितने हैं वो नीचे मैंने थोड़े एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं, कैन कुड शेल शुड विल वुड मे माइट मस्ट, तो ये सारे मॉडल्स के नाम हैं। तो जितने भी मॉडल्स हमने लिखे हैं और भी जितने भी मॉडल आते हैं, वुड है, शुड है, कुड है, मे माइट मस्ट कैन, ज्यादातर कैन वगैरह परीक्षा में आते हैं तो हम थोड़ा उसको समझा के आपको बता रहे हैं। तो कैन का कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और कोई भी मॉडल आए, यहाँ पे हमने लिखा है मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बी याद रखना है, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कैन है और कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो कैन बी और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो चीज हमको पूरी तरह से याद है तो ही ये चीज हम कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कोई भी बना लेगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी कोई भी बना लेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब साथ में वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या कोई भी फॉर्म दे रखी हो, हमको थर्ड फॉर्म लिखनी ही लिखनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें बाय नहीं लगाना है। ऑब्जेक्ट को जो बन गया है ये उसके ठीक पहले बाय लगाना है हमको, और फर्स्ट जो थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब सोचने की बात यहाँ पर है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने ये क्यों लिखा है, अब इसका आपको रीजन पता चला कि मैं ये क्या करने वाला हूँ। अब हमको ये पहचानना होगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम इधर जाके देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या रूल दे रखा है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ई सी एम आर में से एक आएगा और थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जब भी एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में ई एम आर में से एक आएगा। तो हम देखते हैं टेनिस सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो टेनिस है सिंगुलर, तो टेनिस सिंगुलर है इसलिए यहां पर आएगा इज, तो आंसर बन गया टेनिस इज प्लेड बाय मोनिका, मोनिका के द्वारा टेनिस खेला जाता है। मान लीजिए यहां पर प्लेस की जगह पर मैं अब कुछ चेंज करता हूं, यहां पे हम लिख देते हैं
इज PLAYING, मोनिका इज प्लेइंग टेनिस। ध्यान से बिल्कुल देखें, आपको उतारना हो तो उसको पॉज करके आप उतार भी सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी टाइम शो ले सकते हैं। तो ये आपके सामने बिल्कुल बोर्ड ओपन है और बीच बीच में मैं आपको टाइम देता रहा हूं एग्जाम के लिए। मोनिका इज प्लेइंग टेनिस, अब बात ये टेनिस तो वहां पर चला गया, ये सब पहले से ही। इज प्लेइंग ये उसका नियम कहां पर है, तो ये वाला नियम कहां पर रहा है, इज एम आर आई इंग, जहां पर इज एम आर इंग है तो आंसर आएगा इज एम आर बिंग है, तो इज एम आर बिंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर इज प्लेइंग की जगह हम सोचेंगे टेनिस इज बिंग, टेनिस इज बिंग प्लेड बाय मोनिका, कि मोनिका के द्वारा टेनिस खेला जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए यहां पर इज प्लेइंग नहीं है, जैसे आप इसको नोट भी कर सकते हैं आराम से। अब देखिए मैं आपको कुछ और एक्सरसाइज कराता हूं इसके अंदर ही, मतलब कितना आसान है ये हम इससे देखेंगे। यहां पर अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म देख लिया हमने, सेकंड फॉर्म ऊपर ही देख लिए, इसे बारे में देख लिए यहां पर। हम देखते हैं मोनिका हैज प्लेड टेनिस, मोनिका हैज प्लेड टेनिस, मोनिका टेनिस खेल चुकी है। अब हैज प्लेड यहां पर कहां है हम देखते हैं, तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो बनेगा हैज या हैव के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर टेनिस सिंगुलर है इसलिए हैज का तो हैज ही रहेगा, अगर टेनिस प्लूरल होता तो यहां पर हैव हो जाता, तो टेनिस हैज बीन प्लेड बाय मोनिका, तो टेनिस मोनिका के द्वारा खेला जा चुका है, तो इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, आप इसको आराम से बिल्कुल एक बार देख लें, नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इतना समय आपके लिए काफी है, और अब अपन थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि कई मॉडल आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो मोनिका कैन प्ले टेनिस, अब क्वेश्चन ऐसा आ गया मोनिका कैन प्ले टेनिस, मोनिका टेनिस खेल सकती है, मोनिका टेनिस खेल सकती है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से सोचो, अभी तो रूल आपके सामने है, बाद में ये सारे रूल आपके माइंड में होने चाहिए, अगर ये रूल माइंड में नहीं है तो हम ये पूरा करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कैन प्ले, कैन क्या है, मॉडल है, और उसके साथ कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर फार्मूला काम कर रहा है, कोई भी मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ये लिखा हुआ है, जब मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में होगा, वही मॉडल लिखना है वापिस, और उसके साथ लगेगा बी, और थर्ड फॉर्म तो आनी ही है, इसके लिए बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला बताया है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो मॉडल के साथ बी के साथ में थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो कैन का बन जाएगा कैन बी, तो टेनिस कैन बी प्लेड बाय मोनिका, मोनिका कैन प्ले टेनिस, मोनिका टेनिस खेल सकती है, उसका बन जाएगा टेनिस कैन बी प्लेड बाय मोनिका, कि मोनिका के द्वारा टेनिस खेला जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स सारा पैटर्न इसका इस पे ही चलता है, डबल ऑब्जेक्ट्स वाले भी कोई सेंटेंस है जिसमें आते हैं तो उसका और कोई भी एक और बनेगा इसकी क्लास होगी तो उसके अंदर सिखाया जाएगा। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें हमको सब्जेक्ट इस तरह के नहीं होते हैं, कुछ और प्रोनाउन हो सकते हैं इसमें, तो एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिसमें हम कुछ और सीखेंगे, उसका फार्मूला भी आप साथ में सीख जाएंगे। He ate a banana. उसने एक केला खाया। ठीक है, एट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में आई, ये आपको पता रहना चाहिए, ये है सब्जेक्ट,
लेकिन प्रणाम नहीं, डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं भैया, इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है, उसका रूल भी मैं देखूंगा इधर। और अ बनाना एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ही एट अ बनाना। अब देखो इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वाला रूल काम करेगा, ठीक है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। देखिए अब करते हैं, सबसे पहले आएगा अ बनाना, अ बनाना, ठीक है, इतने नंबर पक्के हो गए हमारे। ही का क्या बन जाएगा, तो अब इधर वाला नहीं पता छोड़ दो। एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी ईटन, ई ए टी ई एन। और बाय हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाना ही, मतलब जेब में रखो बाय। ही का बन जाएगा हिम, तो बनाना डैश डैश ईटन बाय हिम। और सेकंड फॉर्म होने पर हिम क्या काम करता है, वाज वर्ब में से एक लगाएंगे। अब बनाना सिंगुलर है इसलिए यहां पर आएगा वॉज, अ बनाना वॉज ईटन बाय हिम, एक केला उसके द्वारा खाया गया, खाया गया था, ठीक है। तो यहां पर ही का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम बन गया। तो ये चीज कैसे चेंज होती है वो भी हम मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ, और आप इसको बिल्कुल वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्टिव वॉइस है तो क्या होगा, और ये पैसिव वॉइस है। ये रूल जो अमेरिका में किससे रिलेटेड है, प्रोनाउन से रिलेटेड है, कि प्रोनाउन एक्टिव से पैसिव में कैसे हो जाते हैं। पी आर ओ एन ओ यू एन एस, प्रोनाउन अगर उसमें सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। थोड़ा आइडिया तो दूसरा कैंड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको देख पाए, इसलिए कर रहा हूँ समय। मान लीजिए ही है तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, हिम। ये हमको कहाँ देखने मिला, अभी आपको दिखाया, यहाँ पे ही था तो पैसिव वॉइस बनते समय वो ही आगे से पीछे चला गया और बन गया ही, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ ही है, ये एक्टिव वॉइस है, अब ये पैसिव वॉइस है, वो ही बन गया, ठीक है। अब अगर ही की जगह मान लीजिए शी लिखा हो तो क्या बन जाएगा, शिम नहीं, हर, ठीक है, ही का हर बन जाएगा। इट है वो इट ही रहेगा, आई है वो मी बन जाएगा, वी है वो अस बन जाएगा, दे है वो देम बन जाएगा। लेकिन अगर किसी का नाम लिखा है जैसे राम मोनिका बता दिया तो वो वैसा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के जगह हो तो बाद में वो ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। और मान लीजिए कोई प्रोनाउन पीछे लिखा हो और फिर पैसिव वॉइस में वो आगे जा रहा है तो वो उसका उल्टा बन जाएगा, जैसे पीछे हिम लिखा है और उसका एक्टिव पैसिव वॉइस बनेगा तो वो ही का हिम का ही बन जाएगा, हर का शी बन जाएगा, ठीक है। ऐसा एग्जांपल मैं आपको लिख के बता दूंगा तो पता चल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन करके वो प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाता है, और उस चेंज होने की जो टेबल है हमने यहाँ पे लिखी, उस टेबल को भी आपको वीडियो को पॉज करके नोट करके याद कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और आपको बता देता हूं, साथ ही एक चीज और बता देते हैं आपको। मान लीजिए इसके अंदर अ बनाना की जगह पर बनाना थोड़े ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, यहां पे अ बनाना ना होकर के टू बनाना कर देते हैं, टू बनानास, बनानास करना है। अगर बनानास ज्यादा है तो यहां पर अपन लिख देंगे टू और बनाना बनानास, ठीक है, इसको प्लूरल कर दिया तो यहां पे क्या चेंज होगा भाई, यहां पर वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी होती है, मार्क्स इसी से इसी में कट सकते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल की जो प्रॉब्लम है वो भी हमने देखी कि सिंगुलर हो तो उसके हिसाब से वॉज वर्ब जो में से एक लगाना पड़ेगा, प्लूरल करके तो वर्ब है, सिंगुलर था उस समय हमने बहुत लगा दिया था। वैसे यहाँ पर वर्ब की फॉर्म जो अलग है उस आधार पर ही सारा डिसाइड होगा और उसकी ये सब चीज हमको याद रखनी चाहिए। तो चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि हमको ये जो दे रखे हैं इसमें कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए।
मान लीजिए क्वेश्चन है, द टीचर पनिश्ड हिम, टीचर ने उसे पनिश किया, टीचर ने उसे सजा दी। ध्यान से देखेंगे सेंटेंस को, टीचर पनिश्ड हिम। सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर ये वर्ब है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीजें हमको निकालनी पहले से आनी चाहिए, अगर ये भी घूम पाएंगे गलती हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, लेकिन फॉर्म भी ध्यान रखनी है, कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जहां पे ये रूल जो लिखा है वो काम में लेंगे, ही का हिम बन गया था, अब वो उल्टा हो गया, फिर हिम यहाँ पे पीछे आया, अब ये हिम आगे जाएगा, तो आगे जाने पर देखते हैं उसके क्या हाल होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा इधर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है हमारा पीछे चला जाएगा, ठीक है। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे, हिम है, और नियम बता रखा है हिम दे रखा हो तो वो आगे आने पर क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। वैसे अगर पीछे हर दे रखा होता तो आगे आने पर वो शी बन जाता, वैसे अगर पीछे यहाँ पर अगर मी दे रखा होता तो मी आगे आने पर क्या बन जाता, आई बन जाता, ठीक है। तो आप इसका एक का एग्जाम्पल समझते थे, बाकी सारे उसी तरीके से चलेंगे। तो हिम है तो यहाँ पे रूल में हिम दे रखा है, और हिम का क्या बनेगा, ही बनेगा, तो ही। द टीचर, चलो उनको लास्ट में ले जाओ, बाय द टीचर, और पनिश्ड, पी यू एन आई एस ए टी डी, पनिश्ड की थर्ड फॉर्म भी पनिश्ड ही होती है, ठीक है। ये वर्ब की फॉर्म हमको पहले से याद होनी चाहिए एक्टिव पैसिव के, ज्यादातर तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनती है, लेकिन जिसमें ईडी से थर्ड फॉर्म बनती है, सेकंड फॉर्म बनती है, उसका थर्ड फॉर्म ईडी से ही होती है, पर आपको याद नहीं चाहिए लगाकर के। अब हम देखते हैं यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ के लिए फार्मूला वही है कि अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो फार्मूला क्या काम करेगा भाई, ये वाला सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब में से एक आएगा। अब ही सिंगुलर है, प्लूरल है, ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आएगा वॉज, ही वॉज लेट बाय, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। तो देखिए हमने यहाँ पर ये सीखा कि यहाँ पर हिम लिखा है तो यहाँ पे ही बन जाएगा, बाकी चीज हम पहले से सीख चुके हैं। तो फ्रेंड्स एक्टिव पैसिव के अंदर अगर हम एक्टिव पैसिव स्टार्टिंग कर देंगे, स्टार्टिंग में हमको इतना आना चाहिए, उसके बाद जो अगली स्टेप होंगे उसके लिए फिर और भी कोई क्लास हम आगे करेंगे। तो अगली स्टेप में हम वो चीज सीखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे कर सकते हैं हम, या कुछ और टाइप के भी सेंटेंस और डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अगली बात है। लेकिन उसके पहले आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं है, ये पूरा याद नहीं है, ये याद नहीं है, वो इसके आगे की स्टेप में जाएगा वो रुक जाएगा। तो अभी जो भी मैंने आपको ये बताया कि एक्टिव से पैसिव में हम सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके क्या मेथड्स होते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से स्टडी करें, और ध्यान से स्टडी करने के बाद इस वीडियो को भी बार बार आप देखें और इन रूल्स को मेमोराइज करें। रूल्स को मेमोराइज करने के बाद इस तरह की एक्सरसाइज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, उन एक्सरसाइज को भी करें, साथ ही आपकी जैसे क्लासेस में या बुक्स वगैरह में भी जो एक्सरसाइज होती है उन एक्सरसाइज को, इस लेवल के जो क्वेश्चन हों जिसमें कि कोई वो नहीं दे रखा हो, इस लेवल के जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को इनिशियली करने की कोशिश करें। अगर ये क्वेश्चन आप कर पाते हो तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी या नेक्स्ट वीडियो जो आए उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये इसके आगे की स्टेप्स वाले इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ये सब करने की कोशिश करवाएंगे। चलो एक चीज और आप देख सकते हैं, इसमें नेगेटिव वाला हमने सेंटेंस नहीं किया, तो ये नेगेटिव क्वेश्चंस भी आपको मैं करके बता देता हूँ, तो आपका नेगेटिव वाला भी चीज क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है वो, इसी क्वेश्चन को ओपन कर देते हैं, इसको नेगेटिव बना देते हैं। टीचर नेगेटिव के लिए आपको मैं अलग कलर यूज कराता हूं, दिखेगा आपको, टीचर डिड नॉट पी यू एन आई एस एच, टीचर डिड नॉट पनिश, टीचर ने उसे पनिश नहीं किया था,
अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लाते हैं, तो हिम का बन जाएगा ही, फिर छोड़ दो भैया बाद में, बाय द टीचर, और पनिश का तो मैंने बोला कोई भी फॉर्म दे रखा आपको थर्ड फॉर्म करनी है, जैसे डिड नॉट वाला था, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म, तो वाज वर्ब के साथ नॉट और थर्ड फॉर्म बनेगी। तो भैया पनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी वो हम देख देंगे यहाँ पे, पनिश की थर्ड फॉर्म है PUNISHED, पनिश थर्ड फॉर्म लिखी। अब बात आती है डिड नॉट की जगह पे क्या आएगा, तो वाज या वर्ब नॉट में से एक आएगा, तो ही के साथ क्या आएगा वाज, ही वाज नॉट, ही वाज नॉट पनिश्ड बाय द टीचर। तो फ्रेंड्स ये नेगेटिव सेंटेंस वाला भी हमने सीख लिया, जैसे डिड नॉट वाला है वैसे ही डज वो नॉट का है, डज नॉट का है ये सीख लो, बाकी इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी जैसे इज एम आर वाला, वाज वाला, हैज वाला, हैड वाला, इन सब पे नॉट जहां पर है वहीं पे रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये थोड़ा खास था वो हमने बता दिया आपको, ही वाज नॉट पनिश्ड बाय द टीचर। तो ये था आपका पैसिव वॉइस, ये इनिशियल चैप्टर है पैसिव वॉइस का, जो भी लर्नर्स हैं वो आराम से इसको देखें, एक बार देखने पर ये रूल्स याद नहीं हो तो घबराएं नहीं, बार बार इसको प्रैक्टिस करें और रिवाइज भी आपको करना है, साथ में ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को बिल्कुल माइंड कर लें, बार बार इसको प्रैक्टिस करें, और ज्यादा समय में आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए एक बार रूल्स पढ़ लेता हूँ, आपके समझ में आप सुन लीजिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते टाइम जो भी वर्ब होती है वो कैसे नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म हो तो इजे मार के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो इजे मार नॉट के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो इजे मार नॉट के साथ फॉर्म हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म हो जाएगी, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो वाज वर्ब नॉट के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इजे मार प्लस आई इंग है या आई इंग है तो इजे मार प्लस बिंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वाज वर्ब इंग है तो वाज वर्ब बिंग हो जाएगी, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है तो हैज बिंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैड बिंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, मतलब कोई भी मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो उसी मॉडल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वो मॉडल कौन से हो सकते हैं, कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट, ये सब मॉडल हो सकते हैं। वैसे ही प्रोनाउंस में भी चेंज होता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होते समय ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, ठीक है इसमें याद करना है, ई आई का नी बन जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, राम का राम, मतलब नाम का नाम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई बॉल है या बुक है तो वो चीज चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद का जो भी टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर होगा वो आपको जरूरी देखने मिलेगा, ध्यान रखिए और सीखते रहिए, थैंक यू वेरी मच।